हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से जो नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनके वेतन में अंतर को देखेंगे। जैसे प्राथमिक में नियोजित का वेतनमान मान लीजिए 21,290, तो डीए 8,941, एचआरए 1,703 और सीडीएस 2,130 और मेडिकल 1,000, तो कुल जो है 35,064। और नया वेतन जो है वो मूल वेतन रहेगा 25,000, डीए जो है 10,500, एचआरए 2,000, सीडीए 2,130 और मेडिकल 1,000 और टोटल जो है 40,630 बनेगा। मतलब नया ज्वाइनिंग के टाइम में 40,630 बनेगा। हालांकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो 1-5 वाले हैं जिनका वेतनमान जो है वो मूल वेतन ज़्यादा है, 26,000, 27,000, 28,000 भी है, तो उनका वेतन ज़्यादा बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि 35,000 ही सबका है, लेकिन जिनका मूल वेतन 21,290 है उनका 35,064 बनता है। और इनका जो बीपीएससी से नियुक्त होंगे उनका ज्वाइनिंग के टाइम ही 40,630 जो है वेतन रहेगा। इसी तरह मध्य विद्यालय में नियोजित का मान लीजिए 22,480 है, तो डीए 9,441, एचआरए 1,798, सीटीए 2,130 और मेडिकल 1,000, टोटल जो है 36,849। इनमें भी बहुत सारे शिक्षकों का जो 68 में है उनका मूल वेतन ज़्यादा है, तो उनका वेतन ज़्यादा बनता है। लेकिन जो नया नियुक्त होंगे शिक्षक बीपीएससी से, उनका वेतन मान जो है उसमें मूल वेतन उनका 28,000 रहेगा और डीए 11,760, एचआरए 2,240 और सीटीए 2,130 और मेडिकल 1,000, टोटल जो वेतन बनेगा वो 45,130 बनेगा। ठीक है, माध्यमिक में वर्तमान में जो वेतन है वो 22,480 है, क्योंकि नियोजित में स्नातक जो 9-10 वाले हैं वो भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक और 6-8 वाले भी स्नातक ग्रेड के हैं, तो दोनों का वेतन मान जो है अभी नियोजित का सेम ही है, तो उनका उतना ही वेतन बनता है हाई स्कूल वाले का भी और 6-8 वाले का, मतलब 9-10 वाले का भी और 6-8 वाले का भी 36,849। लेकिन नया वेतन जो है इसमें मूल वेतन में अंतर है, 9-10 वाले में और 6-8 वाले में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे 6-8 का 28,000 मूल वेतन है, तो हाई स्कूल वाले का 31,000 है 9-10 वाले का, और डीए हो जाएगा 13,020, एचआरए 2,480 और सीटीए 2,130 और मेडिकल 1,000, और कुल वेतन जो है 49,630 मिलेगा। और उच्च माध्यमिक का नियोजित का 23,650 नियोजित का, डीए 9,933 और एचआरए 1,892, सीटीए 2,130 और मेडिकल 1,000 और कुल मिला के 38,605। और नया वेतन जो है उसमें मूल वेतन ही 32,000 रहेगा और डीए 13,440, एचआरए 2,560, सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000 और टोटल वेतन जो बनेगा वो 51,130 बनेगा। तो इस तरह से नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक के वेतन में अंतर जो है आपको देखने को मिलेगा।